स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th क्लास 12th, बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सीबीएसई की तरफ से आई है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे एक सर्कुलर आउट हो चुका है फॉर विंटर बाउंड स्कूल स्पेशली। तो जो समर बाउंड स्कूल है और विंटर बाउंड स्कूल है या प्राइवेट कैंडिडेट्स है, बेटा ज्यादा समय बचा हुआ नहीं है आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स होने में, इवन इन बोर्ड्स, बोर्ड्स के लिए भी आपके पास बहुत समय नहीं बचा हुआ है। तो समर वाले स्कूल्स का तो 1 जनवरी से स्टार्ट होगा, सेम गोज विद प्राइवेट कैंडिडेट्स। लेकिन जो विंटर बाउंड स्कूल्स हैं उनका प्राइवेट, उनका जो एग्जाम होता है ना प्रैक्टिकल का, वो थोड़ा पहले होता है। तो प्रैक्टिकल फाइल्स बेटे आप सभी अपना बना लो एंड उसमें ज्यादा वक्त ना जाया हुआ आपका। तो सीबीएसई ने जो प्रोटोकॉल्स बनाए हैं दैट विल बी सेम फॉर समर बाउंड स्कूल ऑल्सो। तो आप देख लीजिए कि क्या प्रोटोकॉल है। विंटर बाउंड स्कूल में अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग डेट्स को 5 नवंबर टू 5 दिसंबर आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स होने तय हैं, ठीक है। सीबीएसई ने उसकी एसओपीज एंड गाइडलाइंस बता दी है एंड हर स्कूल को उसको फॉलो करना है, ठीक है। जितने भी स्कूल्स हैं विंटर बाउंड सेशंस के, दे आर रिक्वेस्टेड टू टेक द फॉलोइंग एक्शंस। क्या एक्शंस है भाई? एक तो पहले उनको फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जो होता है ना बेटा, वो जनरेट करना पड़ेगा टू इंश्योर दैट नो स्टूडेंट हुज नेम हैज नॉट बीन सबमिटेड इन एलओसी। उनका कई बार होता है ना स्कूल्स इधर उधर से अनफेयर मीन्स का उपयोग करते हैं कि स्कूल स्टूडेंट रजिस्टर्ड नहीं था उसका भी प्रैक्टिकल लगा दिया, तो वो नहीं कर सकते। कॉन्टेक्ट द रीजनल ऑफिस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सटर्नल्स। चूंकि क्लास 12th में एक्सटर्नल एग्जामिनर्स भी आएंगे तो स्कूल्स जो होंगे उनको अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। एनश्योर टाइमली कंप्लीशन ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है। ये सारी चीजें स्कूल को इंश्योर करनी पड़ेगी और डेट्स भी बताने पड़ेंगे कब कब स्कूल वाले कौन सा प्रैक्टिकल ले रहे हैं, क्योंकि एक्सटर्नल्स भी आएंगे। अभी इंस्ट्रक्शंस हैं विंटर बाउंड स्कूल्स के लिए, ठीक है। रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए भी नया सर्कुलर आएगा विद टाइम। सो जो कॉमन इंस्ट्रक्शंस हैं बच्चे 10th और 12th के लिए वो आप देखो। प्रैक्टिकल एग्जाम बहुत स्ट्रिक्टली होने वाला है अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस। तो आपको जो नोटबुक बनानी होती है प्रैक्टिकल फाइल, वो स्कूल वाले आपको बताते हैं क्या क्या प्रैक्टिकल कराया गया है। उसके अकॉर्डिंग स्कूल्स में चेक द अक्वाइंट देमसेल्फ्स एंड एग्जामिनर्स विद द मैक्सिमम मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट। ये आपको पता है सीबीएसई के करिकुलम में गिवन है। डेट कौन डिसाइड करेगा? डेट आपका स्कूल इस पे पूरे 1 महीने में आपको स्लॉट पे बताएगा, उस स्लॉट में आपका एग्जाम होगा। अब मार्क्स किस दिन अपलोड होगा? एग्जैक्टली जब आपका प्रैक्टिकल होगा उसी वक्त मार्क्स जो होंगे आपके विल बी अपलोडेड साइमल्टेनियसली फॉर द डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम। जैसे जैसे प्रैक्टिकल्स होंगे अपलोड होते जाएंगे मार्क्स, ठीक है, बाय द लास्ट डेट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम। नो एक्सटेंशन आपका, जैसे 5 दिसंबर के बाद आप प्रैक्टिकल नहीं दे सकते। कई बार मान लो कि आपके स्कूल में 1 महीने में हो रहा है तो फर्स्ट दिन आप बीमार थे, आपका जो डेट था, तो स्कूल वाले फिर भी एडजस्ट कर लेते हैं दूसरे दिन, लेकिन 5 दिसंबर के बाद नहीं करेंगे। तो ट्राई कि आप ऑन टाइम अपना एग्जाम दे लो, ठीक है। कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, क्योंकि जितनी जल्दी दे दोगे ना उतना सही है, क्योंकि आपको थ्योरी पार्ट में इस बार और ज्यादा मेहनत करनी है। टू एंश्योर फेयर एंड जस्ट असेसमेंट, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन प्रोजेक्ट असेसमेंट शैल वेरिएबली बी कंडक्टेड इन 2 or 3 सेशंस इन अ डे डिपेंडिंग ऑन द लेबोरेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर्स अवेलेबल। अब स्कूल्स को इंश्योर करना पड़ेगा कि लैब्स हो। अब ना शॉर्टकट में काम नहीं चलेगा कि हमारे लैब नहीं है, क्योंकि 10th है 12th है, दे नीड टू बी लाइक प्रैक्टिकल उनके स्कूल में होना चाहिए। इंश्योरिंग एरर फ्री अपलोडिंग, एरर फ्री अपलोडिंग हो, ऐसा नहीं हो कि बच्चा 19 ला रहा है उसके 9 मार्क्स अपलोड हो गए, 20 out of 20 ला रहा है 2, ऐसा भी होता है कि गलत अपलोड हो जाता है और ये बच्चे देख भी नहीं सकते, तो ये एग्जामिनर की ड्यूटी है प्लस जो आपके स्कूल के टीचर है उनकी ड्यूटी है कि मार्क्स अपलोड हो विदाउट एनी एरर, अनफेयर मींस का उपयोग ना हो, ठीक है। स्टूडेंट्स फाउंड गिल्टी उन पे सीबीएसई जो है देखो अनफेयर मींस का वो आरोप लगा करके पनिशमेंट दे सकती है। तो ये कुछ चीजें जिनका पालन आपको करना पड़ेगा। बोर्ड्स राइट टू कैंसिल द प्रैक्टिकल एग्जाम। स्कूल जो अगर आप मार्क्स को अपलोड करेंगे ऑन टाइम करेक्टली और उसके बाद चेंजेस नहीं कर सकते हैं जब, ठीक है, इन केस अगर ऑब्जर्व किया गया कि स्कूल वालों ने कोई कुछ ऐसा किया है जिससे मार्क्स आगे पीछे कर दिया, बच्चों का बढ़ा घटा दिया, तो प्रैक्टिकल एग्जाम बोर्ड कैंसिल कर देगा। स्कूल कुछ गलत नहीं कर सकती है। पेमेंट ऑफ ऑल फंक्शनरीज डिप्लॉयड फॉर ड्यूटीज विल बी, चलो ये तो स्कूल की ड्यूटी है, इसका आपसे लेना देना नहीं है। नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मार्क्स, मार्क्स डिस्क्लोज नहीं होते बच्चों के, ठीक है। टीचर्स के कवर्ड हिंट कर देते हैं अपने फेवरेट स्टूडेंट्स को या बच्चे पूछते हैं तो, बट
ये अलाउड नहीं होता। अब जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं विंटर बाउंड के, इंटरनल असेसमेंट फॉर रेगुलर इंटरनल असेसमेंट भी होगा, वो भी आपका स्कूल कंडक्ट करेगा इसी टाइम के फ्रेम में। टेंथ वालों का एक्सटर्नल एग्जामिनर नहीं आते हैं, दे आर नॉट अपॉइंटेड, ठीक है, वो आपके स्कूल के टीचर ही लेंगे। आंसर बुक, प्रैक्टिकल आंसर बुक विल नॉट बी सप्लाइड बाई द बोर्ड, द स्कूल शैल मेक ऑल द अरेंजमेंट्स आफ्टर कंडक्टिंग द इंटरनल असेसमेंट। आंसर बुक्स ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी सेंट टू रीजनल ऑफिस, ठीक है, आपका स्कूल ही करेगा। टेंथ वालों के लिए थोड़ा सा ईजी है, एक्सटर्नल को देख करके बच्चे थोड़े से घबरा जाते हैं। ट्वेल्थ वाले अवार्ड लिस्ट, देयर इज नो नीड टू सेंड द हार्ड कॉपी ऑफ अवार्ड लिस्ट ऑफ क्लास टेंथ टू द कंसर्न रीजनल ऑफिस। देन रेगुलर स्टूडेंट्स ऑफ विंटर बाउंड स्कूल, जो रेगुलर स्टूडेंट है ट्वेल्थ के, LOCs तो देखो स्कूल जनरेट करेगी, एक्सटर्नल एग्जामिनर्स भी स्कूल जनरेट करेगी। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑब्जर्वर्स बाय द बोर्ड, जो ऑब्जर्वर्स होते हैं ना स्कूल में टू ओवरसी द कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम, यानी कि जो फेयर हो रहा है, नहीं अब बोर्ड ये भी करती है कि ऑब्जर्वर्स अपॉइंटेड है कि फेयर मीन्स देखते हैं, वो भी बोर्ड करेगी। एक्सटर्नल एग्जामिनर्स भी आपके इंश्योर करती है बोर्ड। इंटरनल एग्जामिनर का अपॉइंटमेंट, देर विल बी एन इंटरनल एक्सटर्नल एग्जामिनर एज वेल एज इंटरनल एग्जामिनर, जो कि CBSE की पॉलिसी है। तो स्कूल्स शैल अपॉइंट, स्कूल अपने ही किसी एक्सपर्ट टीचर को अपॉइंट कर लेती है इंटरनल टीचर की तरह। एंड ऑर्डर शैल बी इशूड बाई स्कूल प्रिंसिपल, ठीक है, तो अच्छा है कि एक टीचर आपके स्कूल के भी होते हैं, थोड़ा मोरल बूस्ट होता है बच्चों का। इंस्पेक्शन ऑफ लैब एंड इक्विपमेंट बाई एक्सटर्नल एग्जाम, आपके जो एक्सटर्नल एग्जामिनर्स होंगे वो लैब वगैरह, वैसे तो स्कूल वाले थोड़ा सा उनके साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं ताकि वो ईजिली मार्क्स दें, बट स्टिल एज अ स्टूडेंट इट्स योर ड्यूटी कि आप अच्छे से अपना प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट करें, प्रैक्टिकल्स जो होते हैं वो अच्छे से करके देखें, उसका रिजल्ट क्या होता है, कैसे आता है, वो आपको पता होना चाहिए। सो प्रिंसिपल हेड ऑफ स्कूल इज रिक्वायर्ड टू गेट द लेबोरेटरी रेडी फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम्स। एक्सटर्नल एग्जामिनर्स जो होंगे वो विजिट करेंगे लैब लेबोरेटरी को एटलीस्ट वन डे बिफोर द एग्जामिनेशन, अपैरेटस है कि नहीं है, कि बिना प्रैक्टिकल कराए नंबर नहीं मिलता। बैच और ग्रुप साइज, स्कूल्स क्या करेंगे 30 बच्चों का एक ग्रुप बनाएंगी इन एवरी सब्जेक्ट, और स्कूल शैल कंडक्ट द प्रैक्टिकल असेसमेंट ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ वन बैच टुगेदर, एक साथ 30 बच्चों का वो ले लेंगी और उसी दिन उनका मार्क्स अपलोड होगा। बैचेस शैल ओनली बी क्रिएटेड आफ्टर रिसिप्ट ऑफ डेट ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनर्स फ्रॉम द CBSE, ठीक है। डिटेल्स ऑफ एग्जामिनर विल बी लॉग्ड इन द सिस्टम, वो आपको रिवील नहीं हो पाएगा कि कौन होगा आपका एक्सटर्नल एग्जामिनर। स्कूल शैल कंसिडर स्प्लिटिंग द ग्रुप्स ऑफ, अब वो स्कूल डिसाइड करते हैं कि 15-15 बच्चों के सब ग्रुप्स में बांट दे, फर्स्ट सब ग्रुप जो होगा 15 स्टूडेंट का वो अटेंड करे एक समय लैब वाइल द अदर इज डूइंग द पेन एंड पेपर वर्क एंड वाइस वर्सा, ठीक है। 30 बच्चों में से एक लैब पहले करेगा, मतलब तो दो पार्ट है ना, लैब भी करना है, लैब वर्क और राइट अप करना है, तो कुछ बच्चे राइट अप पहले करेंगे, कुछ लैब वर्क करेंगे। देन द नेम एग्जामिनर नंबर एंड फोटोज ऑफ प्रैक्टिकल, स्कूल शैल यूज एंड अपलोड द करेक्ट नेम ऑफ एग्जामिनर विच शैल बी सेम एज इज एग्जिस्टिंग इन द बैंक अकाउंट ऑफ द एग्जामिनर। सिमिलरली द स्कूल शैल इंश्योर द यूनिक टीचर आईडी अलॉटमेंट इन द ओएसएस इज यूज्ड एज, चलो ये तो इससे आपको कोई लेना देना उतना नहीं है, एग्जामिनर है, यू विल गेट टू नो जब आपका एग्जाम होगा, ठीक है। और जो समर बाउंड स्कूल है उनमें 1 तारीख से 1 जनवरी से होगा, तो अभी टाइम है। अपलोड ऑफ फोटोग्राफ थ्रू ऐप लिंक, चलो वो तो आपके स्कूल्स वाले ही सारे करेंगे, अटेंडेंस शीट वगैरह वही लगाएंगे, अदर मटेरियल्स आंसर बुक्स दैट विल बी प्रोवाइडेड। तो अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो बेटा, ये जो रूल्स हैं SOPs दैट यू नो नाउ, बाकी जो ये रूल्स एंड रेगुलेशन है ये आपको अच्छे से पता है कि क्या होते हैं, आपके जानने का बस यही था कि SOP क्या है, बाकी स्कूल और रीजनल ऑफिस के बीच की बात है कि क्या कैसे कौन टीचर कब आएगा, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिकल एग्जाम दें, नाउ बी अटेंटिव क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम जो है उसमें अब ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। सो जिन बच्चों की केमिस्ट्री क्लास 12 की प्रिपरेशन नहीं हुई है, केमिस्ट्री क्लास 12, सो ऑलरेडी कुछ बैचेज चल रहे हैं जिसमें कई बच्चे पूछ रहे थे कि कैंदे ज्वाइन, तो वो अभी तो ज्वाइन नहीं हो पाएंगे ये जो हमारा एक नया बैच है जो 1 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है, 1 दिसंबर से स्टार्ट होगा टिल जो आपका एग्जाम है तब तक चलेगा, ठीक है, 3 days a week करके, और इंटायर जो आपका कोर्स होगा दैट विल बी ओनली ₹1,000, करेक्ट।
आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। जिस बच्चों को ज्वाइन करना है अभी से आप ज्वाइन कर लीजिए, बैचेस आपको पता चल जाएंगी एंड क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी एंड हम बहुत अच्छे तरीके से एनसीईआरटी को कवर करते हुए कंप्लीट करेंगे एंड यू विल बी गेटिंग ऑल द इम्पॉर्टेंट नोट्स एज वेल एज एवरी कॉन्टेंट रिक्वायर्ड फॉर केमिस्ट्री गेस्ट क्वेश्चंस। बट यस अभी टाइम है तो आप अच्छे से पढ़ सकते हो। सो जिन बच्चों को ज्वाइन करना है डू राइट इन द कॉमेंट सेक्शन और मेल कर दो या फिर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दो, यू विल गेट टू नो एज सुन एज पॉसिबल। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।